तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सेक्शन। और एडवांस सेक्शन की हमारी पहली क्लास है, जैसा कि मैंने बताया था हर एक टॉपिक को हम बेसिक से लेकर एडवांस की तरफ चलेंगे। तो इस टॉपिक को भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहले चलिए अब बात करते हैं कि एक्सेल में हम क्या क्या करेंगे ऑफिस के अंदर, ठीक है। जानना जरूरी है कि आप एक्सेल एप्लीकेशन के जरिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या करेंगे। ठीक है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले जानते हैं इस चीज को। तो सबसे पहला काम होता है हमारा डेटा स्टोरेज का, ठीक है। एक्सेल में हम डेटा को स्टोर रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी तरह का डेटा की या फिर किसी अलग जगह से कुछ डेटा कॉपी पेस्ट करना है तो हम एक्सेल पे ही रखना प्रेफर करेंगे। जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट पे कोई लिस्ट ले रहे हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं लिस्ट आपके सामने, इस लिस्ट को रखना है मुझे टेबल फॉर्मेट पे। तो हम इसको कॉपी करेंगे, हम यहां से इसको कॉपी करते हैं, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरी लिस्ट निकालते हैं। उसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और हम एक्सेल शीट पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो किसी भी तरह के डेटा को हम स्टोर करने के लिए ये कॉपी पेस्ट करिए या कोई डेटा आपको ऐड ही करना, मान लीजिए आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐड करना है तो एक शीट पे जाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे या सीरियल नंबर एक टेबल बना के फॉर्म में नेम एड्रेस मोबाइल लिखेंगे, या फिर वन नंबर नेम मान लीजिए पूजा एड्रेस डी दिल्ली, इस तरह से मोबाइल नंबर लिखेंगे। इस तरह से हम अपना टेबल एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बनाते चले जाएंगे। तो डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं एक्सेल को, ठीक है सर पीयू जी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक्सेल आपका डेटाबेस नहीं है। कि एक्सेल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसको डेटाबेस नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी और बहुत सारे डेटाबेस चीजों को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कौन से डेटा स्टोर करेंगे, मिसलेनियस डेटा, टेम्पररी डेटा, एसएमई शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस का डेटा, ठीक है। पीयू जी मान लीजिए आपका शॉप है तो दिन भर में आप हजार या 1500 आइटम सेल करते होंगे, इस तरह का डेटा आप एक्सेल में रख सकते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर आपके पास दिन भर में अगर मान लीजिए कि 20,000 50,000 सेल होते हैं तो आप यस सर एक दिन का डेटा तो एक्सेल में रख सकते हैं लेकिन महीने का डेटा नहीं रख सकते आप। यस सर, क्योंकि एक्सेल की कैपेसिटी से हेलो क्या बोल रहे हैं सर, आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी कट रही है मेरे अभी, ठीक है
यस सर। एक मिनट, आप ठीक है मेरी वॉइस? यस सर अब ठीक है सर। तो एक्सेल हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन एक डेटाबेस नहीं है। तो कहीं से डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है वेबसाइट से या कहीं और से, तो एक्सेल पे हम करते हैं। अगर थोड़े मोटे छोटे मोटे टेबल्स बनाने हैं डेटा एंट्री करने के लिए, तो हम एक्सेल में प्रेफर करते हैं, ठीक है। और एक्सेल में जो डेटा डालते हैं वो ऐसे भी होता है, शॉर्ट मिनिमम इंटरप्राइजेज या मिसलेनियस डेटा होता है। दूसरा आप करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, राइट। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी की सैलरी कैलकुलेट करना है, यहां पर डेटा बनाते हैं उसका, एम्प्लॉय कोड नेम डिपार्टमेंट बेसिक एचआरए मेंस अदर ग्रॉस ईएसआई पीएफ एडमिन अदर एंड टोटल, ठीक है। मुझे अब सैलरी कैलकुलेट करनी है, चलिए नेम बेसिक मान लीजिए 8500, एचआरए इसका 50%, कन्वेंस एचआरए का 50%, जरूरी 50% हो और डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है ना। मान लीजिए 4500, तो ग्रॉस क्या होगा? इन सबों का टोटल होगा, ऐसा इसका 1.75% कटेगा, पीएफ बेसिक का 12%, एडमिन 200 रुपए, लोन जीरो मैनेज कर दिया या अदर कोई अमाउंट नहीं कट रहा है, टोटल क्या हो? 19,000 माइनस सम, और सम में हमने सैलरी का पूरा कंट्रीब्यूशन ले लिया। अब एक में कैलकुलेशन कर लिया, अब इसी कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ ट्रैक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे आप एंट्री करेंगे टू नीरज एडमिन में है और इसकी सैलरी मान लीजिए 7500 है, तो एंटर मारते ही ये बाकी पूरा का पूरा डेटा एंट्री हो गया। तो हमने क्या किया, एक में फॉर्मूला लगाया, कॉपी पेस्ट किया, कॉपी किया और नीचे की तरफ हम पेस्ट कर दिया। देखे होंगे कि हमने फॉर्मूला कैसे लगाया, मान लीजिए हमें एचआरए कैसे निकाला, तो हमने इक्वल प्रेस किया। इक्वल क्यों प्रेस किए, क्योंकि नॉर्मली आप डेटा एंट्री करेंगे तो बिना इक्वल करते हैं, जैसे मैंने यहां पे कुछ भी लिख दिया तो समझेगा डेटा एंट्री हो रही है, लेकिन जैसे ही इसमें हम इक्वल कर देंगे तो समझेगा फॉर्मूला लगने वाला है। मैंने यहां पर D2 लिया, मतलब क्या हुआ, D2 की वैल्यू मतलब D कौन सा D नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम, ये हमारा D2 मल्टीप्लाई परसेंट या डिवाइड बाय 2, तो D2 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करके जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपको यहां रख देगा। ऐसे मैंने इसको यहां पे डिवाइड किया, ऐसे यहां पे डिवाइड किया, यहां पे सम कर दिया, इस तरह से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो पीयूजी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सर मैं ये पूछा था, ये जो ड्रैग करके आपने जीरो करा, ये कैसे क्या
सर ये नीचे जीरो करना जरूरी है। देखिए जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ब्लैंक कैलकुलेशन क्या है, हमारा डी फोर, हमारा क्या है डी फोर है, तो डी फोर में ब्लैंक कुछ नहीं है इसलिए जीरो आया है इस पे, समझे? ठीक वो समझ गया मैं कि जीरो जीरो इसलिए क्योंकि अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो लिख के रखना है क्या? हाँ डी यहाँ पे क्या डिवाइड बाय जीरो मतलब डी फोर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए आ रहा है। नहीं सर लेकिन जीरो ये नीचे तक के लेके रखना है। मैंने कॉपी पेस्ट किया ना सर और सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। ओके चीज समझिए, ऐसा क्यों बताता हूँ आपको, फॉर्मूला मेथड को समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कुछ वैल्यू टाइप कर रहा है, टाइप कर रहा है, हमने टाइप किया नीचे एंट्री करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया तो नीचे एंट्री हो गया। यस सर। अब मुझे ये हर में 20 हर सेल के अंदर हर नंबर में 20 ऐड करना है, तो हम यस सर इसको इस पे सेलेक्ट करेंगे प्लस 20 यस सर, तो ऐसा हो गया। अब मुझे सब में करना है तो मुझे एक एक करके सब में प्लस 20 करने की जरूरत नहीं है। यस सर। किया इसको कॉपी किया और नीचे की तरफ आप पेस्ट कर दिया, तो ये क्या था हमारा A1 प्लस 20 था, तो जैसे इसको नीचे कॉपी किया ये हमारा A2 हो गया। यस सर। इसके सब में 20 किया तो A3 हो गया। यस सर। तो यही एक फीचर है एक्सेल के अंदर में कि आपको फॉर्मूला लगाना है तो सिर्फ एक पे लगाना है। यस सर। बाकी नीचे ड्रैग करेंगे तो उसके जितने भी रेफरेंस होगा वो अपने आप नीचे ड्रैग हो जाएगा, मतलब हर किसी में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं यहाँ भी सेम हुआ कि हमने जो भी कैलकुलेशन जो फॉर्मूला लगाया एक्सेल में लगाया और नीचे ड्रैग कर लिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डेटा एंट्री करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे इंदर, अब जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगा पूरा कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हो गया? यस सर। तो इस तरह की कैलकुलेशन कर सकते, क्योंकि एक्सेल में क्या है कि किसी भी फील्ड में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, मतलब कि 20 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप 20 प्लस 20 इस तरह से लिख सकते हैं, E4 प्लस 20, E4 क्या हुआ इसका एड्रेस हुआ। यस सर। ठीक है, तो E4 मतलब उसका एड्रेस, यस सर। इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेस की बात करें, ऑरिकल की बात करें और भी जो डेटाबेसेस है उसकी बात करें तो वहां पे सिर्फ क्या होता है उसकी जो फॉर्म है, मतलब कि उसकी जो फील्ड होते हैं वो फील्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है सर? तो फील्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है, बाकी चीज पे नहीं चलेगा, समझिए सर? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। कैलकुलेशन होता है, अब कैलकुलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन के बाद होता है एनालिसिस या रिप्रेजेंटेशन या रिपोर्ट्स का, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्यों होता है? अब मान लीजिए कि मुझे मंथ वाइज किसी को सेल्स दिखाने, राइट? तो मैंने मंथ सेल्स का डेटा तैयार कर लिया समरी से, तो ये डेटा कैसे तैयार हुआ, पिवट प्रोग्रेस लगा हम इजीली तैयार कर लिया, ठीक है सर? आगे बताऊंगा कि किसी भी डेटा को इजीली समराइज किया जा सकता है, मैं कभी बताया तो बताइए। हम यहां करते हैं एक फाइल ओपन करते हैं, तो मान लीजिए मेरे पास डेटा है, एक सेल्स का डेटा है कि भाई सेल्स आईडी है, डेट, सेल्स मोड, किस कस्टमर की आईडी, कौन सा कस्टमर, कौन सा सिटी, कौन सा प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी, कितनी एमआरपी,
उसका टोटल क्या है, कितना टैक्स, कितना टोटल, और कितना इसके लिए कितना कॉल्स किया गया और किस वेबसाइट से रन हुआ। तो मुझे ये चीज देखना है कि भाई किस हमारे कस्टमर ने हमारी कितनी क्वांटिटी, कितना रेवेन्यूज का खरीदा है, कितने अमाउंट का खरीदा है, मुझे एक टोटल चाहिए, समझे। क्या मान लीजिए कि उधार मैंने उसको दिया है तो किससे कितना पैसा ले रहा है। पूजा कई बार खरीदा है, पूजा यहाँ खरीदा है, फिर नीचे देखिए एक और पूजा होगा, यहाँ भी खरीदा है। yes, तो कई बार उसने परचेज मुझे, मान लीजिए महीने का है, तो मुझे जनवरी महीने में मैंने किस अपने कस्टमर कितना कितना उधार दिया है, मुझे इसकी समरी चाहिए, समझे। तो इसके एक्सेल में सिंपल हमारा पिवट कि हम डेटा को रखेंगे, टेबल में जाएंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे हम नेम को उठाएंगे और रख देंगे रो में, तो सारे नाम यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इसमें हमारी जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू में रख देंगे ताकि टोटल आ जाए, और ग्रांड टोटल भी यहाँ रख देंगे, यहाँ पर आ जाए। तो पूजा ने 22,139 प्रोडक्ट खरीदा, जिसका टोटल बिल बनता है 86,51,140 रुपए, ठीक है, ऐसे बन के आता है सर। हाँ, ये रिपोर्ट हमारी तैयार हो गई, हमें ये प्रोसेस चाहिए था ना। यस सर, हमें मान लीजिए कि मेरा सेल्स का डेटा आया, तो हमें रिपोर्ट क्या चाहिए कि किस कस्टमर ने कितना से उधार लिया है, क्या, ताकि मुझे पता हो चले कि मेरे कितना बाकी है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि यहाँ कई बार खरीदा है, तो मुझे कैलकुलेटर लेके एक एक को नोट करना पड़ जाएगा ना। यस सर, तो 10-20 की रेंज तो आप इजी नोट कर सकते हो, लेकिन जहां 1,000-2,000-10,000 आइटम होंगे वहां पे कैलकुलेटर से एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा ना सर। यस सर, तो डेटा हमारे पास एंट्री किया हुआ है, बस इस पे हमने क्या किया, इंसर्ट में गया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, एक नई सीट पे पिवट टेबल ऐड हो गई हमारी। फिर हमने क्या किया, नेम को रो में रखा ताकि नेम का लिस्ट रो वाइज आ जाए, और कैलकुलेशन किस पे करनी है, सम पे और में क्वांटिटी और टोटल में, तो क्वांटिटी और टोटल उठा के वैल्यू में रख दिया, तो हमारे पास रिपोर्ट्स आ गए, राइट। ओके सर, अब इससे भी जो आपको समझ में नहीं आता, मान लीजिए कि इसमें मुझे ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि सबसे ज्यादा किसके पास पैसा है, हमने सबसे ज्यादा किसको उधार दिया है, मुझे ये पता करना है। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मुश्किल लग रहा है ना, क्या। यस सर, तो इसके लिए हमारे पास चार्ट है, इंसर्ट में हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट लगा देंगे, तो मुझे इजीली इसका ओके सर कि किसके यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है। तो हम देख रहे हैं कि टीना सबसे हाईएस्ट में है, टीना उसके अगर उसके बाद है, उसके बाद ये है सबसे कम पैसा उदय के पास है, उदय के पास है। यस सर, क्या, तो ये हमारी रिपोर्ट्स होती है, तो पिवट टेबल की मदद से, जिसकी मदद से हम एक्सेल की मदद से रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार करते हैं, भाई जल्दी हो जाती है। और चौथा जिसके कारण एक्सेल पॉपुलर हुआ वो है शेयरिंग। अब मान लीजिए रिपोर्ट बना लिया शेयरिंग, और उसको हम आप भेज नहीं सकते, या फिर आपको भेज दिया आप उसको ओपन नहीं कर सकते, तो क्या होगा। सॉरी आपकी आवाज चली गई सर। मैं बोला था कि हमने रिपोर्ट्स बना लिया, एक्सेल बोल दीजिए, तो बोल रहा हूँ कि शेयरिंग मतलब कि हमने रिपोर्ट बना लिया और किसी को आपको हम भेज नहीं सकते, या आपको मैंने भेजा तो आप देख नहीं सकते, तो क्या फायदा रिपोर्ट बनाने का। ओके सर, यस सर, तो एक्सेल में शेयरिंग, क्योंकि मान लीजिए कि आपको मैंने एक्सेल की फाइल भेजी, तो मुझे पता है आपके पास एक्सेल होगा, क्योंकि आजकल जनरली लोगों के पास एक्सेल तो होता ही है। Yes, sir. तो इसलिए जो है शेयरिंग जो है सबसे ज्यादा
पॉपुलर है। एक्सेल पे होती है ये, हम डेटा की स्टोरेज, कैलकुलेशन, रिपोर्ट और शेयरिंग का काम करते हैं। तो एक्सेल में किस किस तरह की रिपोर्ट और क्या क्या किया जा सकता है, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप फाइल मेनू बार में जाएं, न्यू में जाएं, यहां पे आपके एक्सेल के बने बनाए फॉर्मेट्स मिलेंगे। अगर आपको नहीं मिले तो यहां ऊपर दिख रहा होगा इसे बिजनेस, तो बिजनेस पे क्लिक कीजिए, तो बिजनेस से रिलेटेड आपको यहां पे टेम्पलेट्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको इनवाइस बनवाना है तो यहां पे इनवाइस आता है। स्मॉल बिजनेस एज फ्लो सेल फोरकास्ट, देखिए सेल फोरकास्ट लेकर है ना, क्लिक किया और यहां पे इसको क्रिएट कर दिए। तो यहां पे आपने सेल्स के एजेंट और बाकी सेल्स की एंट्री यहां पे है, और यहां पे देखिए सेल्स फोरकास्ट में भाई जनवरी 2021 में किसका क्या सेल होने का आशा है। ठीक है, कि जनवरी में, फरवरी में सेल होगा, मार्च में सेल होगा, अप्रैल में सेल होगा, 2021 में, 22 में, दिख रहा है सर, अगले साल का फोरकास्ट दिखा रहा है। ओके सर, तो इससे पता है, इससे आपके अगर यूजफुल है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास यूजफुल नहीं है तो आपको इससे एक अंदाजा लगेगा इस तरह की रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है, ताकि आप सीखने के बाद इस तरह की रिपोर्ट बनाने की प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से न्यू पे जाएं। अभी आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है, 8-10 टैबलेट को ओपन करना है और फिर उसको रिव्यू करना है। अभी आप इसको रिव्यू कीजिए, कल से हम आपको फाइल मेनू बार से स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइल मेनू बार में क्या ऑप्शन है, होम में क्या ऑप्शन है, हर टॉपिक को हम बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे कल से। ठीक है, रिकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इतना हमारा टॉपिक क्या चल रहा है और आगे क्या टॉपिक होने वाला है। ओके सर, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सर। थैंक यू सर। ठीक है पंकज जी, पंकज जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा था क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफी शोर आ रहा है, मैं वीडियोस की भेज देता हूँ।